दोस्तों ये वही पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह ने आदम सलाम की दुआ को कबूल किया था, और ये वो मैदान है जहाँ हमारा द डे ऑफ जजमेंट कयामत के दिन हिसाब होगा। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग पर स्वागत है। तो मैं हूँ इस समय जबले सोर में, और इसी के ऊपर है गारे सोर, वो गारे सोर जहाँ पर हमारे नबी ने 3 रातें और 2 दिन जो है यहाँ पर आराम फरमाया था जब वो मक्का छोड़कर मदीने जा रहे थे। तो इसके ऊपर तो मैंने ब्लॉग बनाया है जो आपने देख लिया होगा। दोस्तों अब जो हम जा रहे हैं ना, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसे बोला जाता है अराफात का मैदान, और ये वो वही मैदान है जहाँ पर द डे ऑफ जजमेंट कयामत के दिन जो हिसाब होगा। जी हाँ दोस्तों, जब कयामत के दिन हिसाब होगा, द डे ऑफ जजमेंट हिसाब होगा, तो उसी मैदान पर ही हिसाब होगा, उसी मैदान को जो है शामिल कर लिया जाएगा मुल्क शाम में। तो दोस्तों ये ब्लॉग ना बहुत ही शानदार होने वाला है। एक्चुअल में यहाँ से जो हमने टैक्सी की है, टैक्सी ये है, और यहाँ से जो है हम चलने वाले, तो इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो आप एक बार और देख सकते हो, ये है जबले सोर, इस पहाड़ का नाम है जबले सोर, और इस पर चढ़ने के लिए ना 2.5 से लेकर 3 घंटे लगते हैं, और सेम उतरने में। और ये जो है 5500 फीट ऊँचा है, और ऊपर ही है गारे सोर जहाँ पर हमारे नबी ने आराम फरमाया। और वहाँ से यहाँ मैंने टैक्सी की है, और यहाँ से ही जो है हम जाने वाले हैं अराफात के मैदान। तो आप देख सकते हो कि मक्का के बाद की ये वाली जो मस्जिद है ना, सबसे बड़ी वाली मस्जिद है। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये, माशाल्लाह। तो अभी जो हम चलने वाले हैं ना, वो जा रहे हैं वो अराफात मैदान की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा, बहुत ही शानदार। ये देखिए सड़कें तो भाई यहाँ की ऐसी होती हैं, माशाल्लाह एकदम बहुत शानदार। ये देखिए, तो ये जो आप तंबू देख रहे हैं ना, इसे ही एक्चुअल में मीना शहर बोलते हैं, और इसे आप ये कह सकते हो कि तंबू वाला शहर। जब हाजी लोग आते हैं हज करने के लिए तो वो यहाँ पर ठहरते हैं, और ये देखिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा उस समय नज़ारा होता है ना, तो सिर्फ यही नज़ारा होता है। यहाँ से आप देखिए, ये जो होते हैं खेमे होते हैं यानी तंबू होते हैं, और इसी में जो है हाजी लोग जो है रहते हैं, और अहराम भी जो है यहीं पहना जाता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मंज़र। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट है जिसे बोला जाता है मीना। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, ये है मुज़दलिफा। ये वो जगह है जहां पर अराफात में जाने से एक दिन पहले यहां पर जो है हाजी लोग होते हैं। तो अभी हम यहाँ ना बीच में रुके हैं, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये है मस्जिद मुज़दलिफा। और ये जो मस्जिद है ना, ये सिर्फ बताते हैं कि हज के टाइम पर ही खोली जाती है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो ये बीच में पड़ती है, अब आप अराफात मैदान जाते हो ना, बीच में पड़ती है, ये देख रहे हो। मैं अभी दिखाता हूँ, इसका लुक दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो माशाल्लाह। और यहाँ पर ही हाजी जो लोग हैं जो मगरिब और ईशा की नमाज़ जो है पढ़ते हैं। और दोस्तों अब जो आगे जो आप रास्ता देखेंगे ना, ये देखिए सारा का सारा जो आपको जो है लाल ही मिलेगा, यानी लाल पत्थर का यूज किया गया है, और खलंजे टाइप। और ये जो है यहाँ से लेके अराफात के मैदान तक है, यानी स्पेशल हाजी लोगों के लिए बनाया हुआ है, और ये कम से कम बहुत किलोमीटर तक बना हुआ है जो आप देख सकते हो, यानी जब मुज़दलिफा से स्टार्ट होता है और ये अराफात के मैदान तक जाता है। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ से जो है अराफात स्टार्ट हो जाता है, अराफात मैदान। और ये जो मस्जिद दिख रहे हैं, ये वही निमरा मस्जिद है जो हज पर यहाँ पर नमाज होती है। और ये देखिए माशाल्लाह, जितने भी हाजी आते हैं ना, वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये देखिए। मैं आपको मस्जिद का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये गेट नंबर 4 है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, बड़ी क्लोज रहती है ना, ये से जो जब होती है हज उसी समय ओपन होती है।
तो मेरे पीछे आप देखिए ये है मस्जिद निमरा, जहाँ पर हज पर जो है ये मस्जिद ओपन की जाती है और यहीं पर जो है नमाज की जाती है। माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी हुई है, ये देखिए ये गेट नंबर 11 है, काफ़ी बड़ी है, आगे तक भी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि अराफात का जो मैदान है ना ये बहुत बड़ा है और यहाँ से ये है अराफात का मैदान जो है स्टार्ट हो चुका है। तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है अराफात का मैदान, यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे तक जहाँ हम लेकर जाएंगे आपको। तो हाजी लोग जो खुतबा सुनते हैं हज के दौरान वो यहाँ पर ये निमरा मस्जिद में सुनते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है टॉयलेट सब बने हुए हैं, ये जब भी उसी समय जो है ये जब हज के दौरान जब यहाँ पर हाजी आते हैं तो ये इस्तेमाल में आते हैं। लाइन हो जाता है क्या, एक लाइन में 20, हाँ कम से कम 20 आदमी होता है तो। जी माशाल्लाह उस समय तो बहुत भीड़ होती है जी। ये देख टॉयलेट, ये औरत का है जी, जो घर बना हुआ है ना वो औरत का। अच्छा अच्छा, हाँ ये औरत, हाँ ये मर्द का ये। तो देखो आगे जो आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, ये वही पॉइंट है जहाँ पर हमारे हजरत आदम सलाम उनकी जो है दुआएं कबूल की गई थी, जहाँ मैं जाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट जो मीटिंग हुई थी हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनका खुतबा हुआ था। तो भाई गाड़ी से उतर चुके हैं और अभी हम जो जा रहे हैं ना वो जबले रहमत पहाड़ पे जा रहे हैं। ये वही पहाड़ है जहाँ पर आदम सलाम जो थे उनकी जो है दुआएं कबूल की गई थी या उनकी तौबा कबूल की गई थी, और यहाँ पर जो माँ हवा और उनका जो है मिलन बताया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे तो लास्ट जो खुतबा था उनका, लास्ट जो उन्होंने यहाँ इसी पहाड़ पर दिया था जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कल भी आया था, आज तो आज कुछ भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही, कल की भीड़ देखो आप कितनी भीड़ है। अब आगे की जो क्लिप देखोगे ना वो कल की दिखोगे, क्योंकि कल यहाँ पर भीड़ थी तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो ये ना पार्किंग है पूरी अराफात मैदान की, जब और ये अराफात मैदान जो है जब ओपन होता है, जब जो है हज होता है, हज वालों के लिए यहाँ पर जो है कैंप लगाए जाते हैं। बट फिलहाल हम जो है उस पहाड़ पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ने दुआ कबूल की थी आदम सलाम की। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो और इसी मैदान को जो है अराफात का मैदान बोला जाता है। और अराफात मैदान का सबसे मशहूर जो पहाड़ है ये देख रहे हैं जबले रहमत, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना ये जबले रहमत है। इसका पूरा वाक्य जो है मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है बहुत सारे लोग नीचे रहते हैं बट हमें ऊपर जाना है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऊपर जाने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा मैदान है, ये देखिए, ये देखिए चारों तरफ, अब ये देखिए भीड़ देखिए पूरी। तो आगे जो आप सीढ़ी देख रहे होंगे ना ध्यान से देखिए, उसी सीढ़ियों से जो हमें उसी माउंटेन के ऊपर चलना है। तो यहाँ से देखो पहाड़ बहुत ना करीब आ गया, तो फाइनली हमारी एंट्री जो है आ चुकी है जहाँ से अब हम ऊपर चलेंगे। तो ये रास्ता है जाने का, देखो ये वाला जो है जाने का है, उधर से ये वाला जो है आने का है, हमें जो है पहाड़ के ऊपर ही चलना पड़ेगा। ये देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि पार्टिकल कोई रास्ता है नहीं, लोग उधर से जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, तो ये काफ़ी रिक्स वाला है। देखो ये देखिए इन पहाड़ों पर ना लोगों ने देखो लिख दिया है, शायद नाम लिख दिए हैं लोगों ने, देखो ये देखो पूरे पहाड़ों पर आपको जो है पत्थरों पर नाम दिखाई देंगे। ये देखिए किसी भी आप पत्थर को देख लीजिए। तो अभी हम जो है उस साइड से ऊपर चल रहे हैं, तो भाई यहाँ से स्टार्टिंग होती है ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पर ना भीड़ देखिए आप कितनी भीड़ है। इसमें एक चीज़ क्या है कि जाने का भी रास्ता एक ही है और आने का भी रास्ता एक ही है। देखो यहाँ से आप देखोगे ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखो अभी हमें जो है वहाँ पर पहुँचना है।
भैया 20 से थोड़ा चला तो लगभग जब हम आ चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह, इधर से रास्ता क्लोज है बट इधर से हम आ सकते हैं शायद। ये देखो किस तरीके से पत्थर रुके हुए हैं, यहाँ पर ये लगा रखा है, तो चलो इधर से चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं, ये देखिए यही वो जगह है जहाँ पर हजरत आदम सलाम को अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की थी, उनकी तौबा कबूल की थी। ये देखिए तो को यहाँ पर शायद लोग नाम लिखते हैं, हाजिरी लिखते हैं, शायद अपनी दुआ लिखते हैं। ये देखिए भीड़ देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आना ना वाकई में एक सपने जैसा होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लास्ट खुतबा दिया था और 140,000 सहाबियों ने उनके खुतबे को सुना था। और ये पूरा जो मैदान दिख रहा है ना, ये अराफात का मैदान है, ये आप देख लीजिए। साथ ही साथ इसी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने जो है तौबा कबूल की थी, उनकी दुआएं कबूल की थी। तो यहाँ लोग आते हैं, तौबा करते हैं, दुआएं करते हैं। ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये देखिए देखो यहाँ पर ना कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पहाड़ या स्तंभ के पास विशेष रूप से नमाज पढ़ने या दुआ करने का आदेश नहीं दिया है, तथा आपके बाद आपके सहाबा ने भी ऐसा कभी नहीं किया। कुछ यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो। दोस्तों सोच के देखिए, जब आप कयामत के दिन की बात सुनते हैं, और आप मेरी उम्र लगभग 26 साल हो गई और हम इतने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि द डे ऑफ जजमेंट हिसाब होगा, और जब आपको पता चलता है कि द डे ऑफ जजमेंट जो हिसाब होगा वो इसी मैदान में होगा, यानी मुल्क शाम और इस मैदान को जोड़ लिया जाएगा और हिसाब होगा, और इस मैदान को जब अपनी आँखों से देखते हो ना आप, तो यकीन मानिए आप अपने आप को किस्मत वाला समझते हो, और लाजिम है यहाँ पर आपके कुछ आंसू निकल जाएं। तो ये वही मैदान आप ये पूरा का पूरा आप ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो फाइनली दोस्तों हम जो है आ चुके हैं पहाड़ के नीचे, तो मैं नीचे आ चुका हूँ। मेरी लाइफ में दो मोमेंट ऐसे आए कि जहाँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, कि जब आप उमरा करते हो ना, और जब उमरा करने जाते हो तो आपको अपनी निगाहें नीचे रखनी होती हैं, और आपसे कहा जाता है कि जब काबा शरीफ आगा तो आपको नज़रें ऊपर करनी होती हैं। तो जब आपकी नज़रें नीचे होती हैं और जब आप काबे शरीफ को देखकर जब आपकी नज़रें अचानक उन पर जाती हैं ना, तो आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल इसलिए हो जाते हो कि बचपन से लेकर अब तक आप सुनते हुए आए हो, आप बोलते हुए हर आप नमाजें बोलते हो कि मुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, मुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, मुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, और आप देखते हो कि ये काबा शरीफ है जहाँ हम आए हैं, और पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, और सब लोग जो पूरी जहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो इधर को मुकर के नमाज़ पढ़ते हैं। तो उस समय ना मैं लिख के दे रहा हूँ, हर एक इंसान ना आँखों में आंसू आ जाते हैं, एक पोपल और एक इस मैदान को देखकर कि जहाँ द डे ऑफ जजमेंट हिसाब होगा हमारा, तो यहाँ भी आप इमोशनल हो जाते हो। तीसरा पॉइंट वो है जिस पहाड़ से हम आए हैं, जबल रहमत, जहाँ पर आदम सलाम की अल्लाह ने जो दुआ कबूल की थी, यानी तौबा कबूल की थी। साथ ही साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लास्ट खुतबा दिया था, वो बताते हैं कि यहाँ पर 140,000 सहाबी ऐसे यहाँ ने बताया कि उन्होंने उस खुतबे को सुना। तो दोस्तों आपने देखी, यानी कल वाली वीडियो में जो आया था मैं, आज है खैर भीड़ भी नहीं है। और दोस्तों यही वो मैदान है जहाँ पर द डे ऑफ जजमेंट कयामत का हिसाब होगा। जी हाँ दोस्तों, सोचो बचपन से लेकर अब तक हम कयामत के बारे में पढ़ते हैं, काबा शरीफ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसको देखने का मौका नहीं मिलता, कितना लकी इंसान हो।
तो ये जो अराफात का मैदान है यही मैदान होगा। ये मैदान आपको फिर भी देखो कितना बड़ा है, इसमें घूमना आसान नहीं है। ये मैदान और बड़ा हो जाएगा, मुल्क के सामने मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा मैदान हो जाएगा। और यहीं पर जो है द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन जो है हिसाब होगा, वो इसी मैदान में होगा। ये देखिए कितना बड़ा है। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ। पूरी सीरीज चल रही है और सीरीज से जुड़े रहें। और ये वही मैदान है जहाँ पर जो हाजी लोग आते हैं और जो है इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पर जो पूरे खेमे लगाए जाते हैं, और यहाँ पर जो मस्जिद आई थी मैंने निमरा, वहीं पर जो है अजान होती है। तो माशाल्लाह पूरा मैंने आपको ये डिटेल में ब्लॉग दिया। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।